वेरी फनी। तालियां बजाने का क्या गंदा जोक मारा है। वहाँ पर प्रॉब्लम थी तो यहाँ आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है, एक्चुअली बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भाई डांसर तो कमाल का है लेकिन ये तो सिंगिंग शो है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? ये तो सही। अरे एक बात बताओ, डांसिंग शो में राइटर होता है? हाँ होता है। कुकरी शो में एक्टर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कॉमेडी शो में पॉलिटिशियन होता है? था ना एक कॉमेडी शो में पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में कॉमेडियन होते हैं? हाँ, वो तो होते, बिल्कुल होते, मैं मानता हूँ। तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता सिंगिंग शो में? अच्छा ये लॉजिक है। डांस और सिंगिंग का तो बहुत पुराना रिश्ता है। डांस के ऊपर ही तो मतलब म्यूजिक होता है, सॉरी म्यूजिक के ऊपर तो डांस होता है। नहीं वो दूसरी तरफ भी होता है, लेकिन भाई मतलब पता नहीं ये कैसा रिश्ता होगा। आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बातें करने आया वहाँ पे। उसके अलावा थोड़ा सा पद सारे गे सा पद सारे गे सा मा गे सा पद सारे गे सा सारे गा मा दा पा सानी धानी दा बदा पा मा पा मा गा। बिल्कुल बदल देगा। कैसे? बिल्कुल एक्चुअली बात ये है कि पूरे देश भर में डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, इसलिए कलर्स लाया है ऐसा शो जिसमें लाइव सिंगिंग होगी, जनता लाइव वोटिंग करेगी और उसे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये तीनों चीजें आज तक टेलीविजन में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। क्रिकेट में हुआ है यार, लेकिन टेलीविजन क्रिकेट में गाना कौन गाता है? वोटिंग कौन करता है? नहीं नहीं कोई नहीं। रिजल्ट्स कौन देता है? बहुत बड़े। एक और बात, हम कोई रियलिटी शो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के बेस्ट टैलेंट जैसा है वैसे ही आपको दिखा रहे हैं, जिसका फैसला पूरी हिंदुस्तान की जनता लेगी भाई। ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है राइजिंग स्टार का, इजराइल के कैशेट ब्रॉडकास्टिंग का है और यूएसए, ब्राजील, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी जैसे बहुत सारे देशों में टीआरपी की बरसात करने के बाद फाइनली नाउ इट्स हियर इन इंडिया ओनली ऑन कलर्स। And Colors is very proud कि हम इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जो आज तक इंडियन टेलीविजन पर कभी नहीं देखी गई। क्या बात, तालियां यार इस बात पर। तालियां पीछे वाले बजाएंगे, आगे वाले कोई बजाओ, तालियां अपने वाले बजा रहे हैं। बताओ क्या हाल हो गया है। वैसे एक शो में मैक्सिमम कितने जज होते हैं यार? 2, 3, 4, लेकिन इस शो में पूरे 100 करोड़ लाइव जजेस हैं यार। यानी इस शो में हर इंडियन को घर बैठे लाइव जज बनने का मौका मिलेगा, वो भी सिर्फ कलर्स टीवी के ऐप, जिसे वो ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस डाउनलोड कर चुके हैं और जिसे हम बिग बॉस में ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं करेक्ट करूंगा एक्चुअली, 100 करोड़ नहीं 130 हो गए। जैसे हमारे जो देश की जनता जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये जो बढ़ती हुई जनता है राघव, ये हमारे जज बनेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारा शो जो है म्यूजिकल है, तो यहाँ म्यूजिक की बातें तो होंगी ही, इसीलिए हमारे साथ है ये जो 3 कुर्सियां यहाँ पे है ना, इन पे आके बैठेंगे 3 म्यूजिकल एक्सपर्ट्स। वो 3 हैं लेकिन उन तीनों ने पूरा इंडिया कवर किया है। हमारे पहले एक्सपर्ट इंडिया के वेस्ट यानी अमची मुंबई में पले बड़े साउथ इंडियन हैं जिन्होंने 4 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और बाकी अवार्ड्स की कोई गिनती नहीं है भाई। वो ढेर सारी सुपरहिट फिल्म्स के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इंडिया के एक लौते ब्रेथलेस गाने के सिंगर हैं। सही पहचाना, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शंकर महादेवन। एक्साइटिंग है, मज़ेदार है और मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार है। लाइव शो है, पहली बार हो रहा है यार, पहली बार होने पे हम लोग साथ हैं एंड हम लोग फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा लग रहा है यार, खुल गए हैं अब और खुल गए हैं और खुलते रहेंगे और कुछ तो इतनी सारी नई चीज़ें तो टैलेंट के लिए बोल रहे हैं यार। अब टैलेंट बहुत अच्छा है, आप देखिए सिंगर्स बहुत बढ़िया आए हैं, बल्कि मुझे कहते रहते हैं देखिए कितना अच्छा है इसका ये, लेकिन मुझे सुनने में दिल को तक पहुँचा है गानों सबके। सो यस आई लाइक ये हर एक बार एक टैलेंट शो होता है ना, उसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ ही होती है कि हम लोग ऑलरेडी ही इज़ बीन पार्ट ऑफ सो मेनी डांस शोज, आई हैव बीन पार्ट ऑफ सिंगिंग शोज, हम लोग होस्ट भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी टैलेंट आके आपको सरप्राइज कर देता है। अरे यार ऐसे लोग भी हैं इंडिया में, दैट इज़ आई थिंक सबसे खास बात होती है इवन डांस। यस, और यहाँ पे जो आएंगे क्योंकि वो लाइव करें उनको और ज़्यादा प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंट थिंग। और ये दीवार आ रही ऊपर से, ये तो ऑब्वियसली है ही अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आ रही नीचे 40 सेकेंड में 50 सेकेंड में। जब तक ट्रेन हर जगह रुक के नहीं चलेगी तो पैसेंजर नीचे कैसे उतरेंगे, तो वही मेरी ट्रेन रुकते रुकते चलती ताकि सबको घर पहुंचा दे। So finally viewers के लिए कह दीजिए। ये क्या था यार ये क्या था, मैंने इसलिए तो देखो शो देखो सैटरडे संडे लाइव 9 बजे कलर्स पे, राइजिंग स्टार।